आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बार बार अपने फैसले बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां से उन्होंने उम्मीदवार बदल दिए हैं और अब नजरें टिकी हुई हैं बदायूं लोकसभा सीट पर। क्या अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को हटाकर यहाँ से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारेंगे या फिर नहीं? नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। दरअसल आपको बता दें कि बदायूं सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बदायूं सीट से शिवपाल यादव को टिकट दिया गया है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर नाम चर्चाओं में बना हुआ है शिवपाल के बेटे आदित्य यादव का। आदित्य यादव को लेकर शिवपाल यादव साफ तौर पर अब कहते हुए नजर आए हैं कि बदायूं से हम चुनाव लड़े या फिर उनके बेटे आदित्य यादव यहाँ से खड़े हों, लेकिन जीत तो समाजवादी पार्टी की होगी। ऐसे में अब शिवपाल यादव का कहना साफ तौर पर रहा है कि नवरात्रि के दिनों में, इन शुभ दिनों में ही नामांकन भर दिया जाएगा, पर्चा भर दिया जाएगा और पंडित जी से हम पूछताछ करके ही नामांकन का पर्चा भरेंगे। अब देखना यही होगा कि आखिरकार ये नामांकन किसके नाम पर जाएगा, आदित्य यादव के नाम पर या फिर शिवपाल यादव के नाम पर। दरअसल आपको बता दें कि खबरें तो ये तक निकलकर सामने आई हैं कि आदित्य यादव के नाम पर प्रस्ताव अब पारित हो चुका है शिवपाल यादव के सामने ही। वहीं धर्मेंद्र यादव भी आदित्य यादव के नाम पर सहमति जताते हुए नजर आए हैं। अब नजरें टिकी हुई हैं अखिलेश यादव पर। आखिरकार अखिलेश यादव और डिंपल यादव का फैसला क्या कुछ होगा? क्या वाकई में आदित्य यादव को इस सीट से मैदान में उतारा जाएगा या फिर नहीं? आदित्य यादव साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वह उसे स्वीकार करेंगे, यदि उन्हें आगे किया जाएगा तो वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव क्या बदायूं सीट पर भी अपने उम्मीदवार को बदल देंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।